ओके बस ये देखे मोहम्मद अपनी पानी की बोतल भर के रखते हुए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोहम्मद अपनी पानी की बोतल लेके जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, गालिबन के पापा ने बोला है कि शॉपिंग पर चलते हैं, तो इसलिए मोहम्मद ने अपनी पानी की बोतल उठाई, मैंने वॉश करके बाहर रखी, इन्होंने फ़ौरन से बोतल कूलर से जाके भर ली। और यहाँ पर मैंने जान मोहम्मद के कपड़े निकाल के रखे, मजा ले दोनों कपड़े पहने, कोई यहाँ भाग रहा कोई वहाँ भाग रहा, रोज़ हफ्ता हो मतलब 1 से 1.5 घंटा हो चुका है। ये टाइम देख सकते हैं 1 घंटा हो चुका है, 7 बजे रोज़ा खुलते ना, तो 1 घंटा हो चुका है। चलें जी, बस अब रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा चल रहा है, आखिरी रोज़े चल रहे हैं। आज माशाल्लाह से 25वां रोज़ा हो चुका, बस देखते देखते रमज़ान जा चुका, बस अब कुछ दिन रह गए हैं रमज़ान मुबारक के। बस ये दिन अल्लाह पाक से खैर और काफ़ियत के गुजरे, बस उसमें दादा का इंतकाल हो गया उसमें रोज़े पर, और अब बस उनका 10वां दिन होने वाला है। और इसी तरह बस कहते हैं ज़िंदगी दिन पूरे होते जा रहे हैं सबके, बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। चले जी, आज जा रहे हैं शॉपिंग पर, क्योंकि सिस्टर की शादी भी है, दादा के 40वें के बाद होती है, इनके बस नियाज के बाद होती है, और ईद भी है, तो बच्चों की ईद की शॉपिंग करनी है। और मैं अब जा रही हूँ, देखती हूँ मुझे क्या समझ में आता है, क्या मिलता है क्या नहीं। तो चलें जी, चलते हैं, हस्बैंड जी गए अपनी बाइक सेट करवाने के लिए, तो जैसे हस्बैंड जी आते हैं तो हम लोग निकलते हैं, बच्चों का कपड़ा वगैरह पहना, और यहाँ पानी वगैरह गिरा रहे हैं, देखो उनसे सारा छीन के दोबारा भरूँ पानी वगैरह में, फिर चलते हैं हम शॉपिंग पर, देखते हैं बस हम जाते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। ओके वैसे मोहम्मद के काम चेक करेंगे, हम लोग इस टाइम जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, इनके पापा जी ने कहा आप आयशा रेडी होते हैं, देख के मोहम्मद के काम चेक करें, मोहम्मद रेडी होने खड़े हो गए। देखिए मैं चादर पहनते पास लेते इससे खड़े हुए, और टाइम देख सकते हैं 9:20, लाइट जा चुकी है, शकी नमाज अदा कर लिए, और आज जुम्मा मुबारक का दिन है, तो बस दिन कम रह चुके हैं, सिस्टर की शादी भी ईद भी है, तो हमने सोचा चलो कुछ जो शॉपिंग वगैरह जो रहती है छोटी मोटी चीज़ें वो सारी लेके आ जाएँ, बैठे हम लोग की शॉपिंग। ओके बस फाइनली हमने यहाँ से ले ली, मुझे फाइनली यहाँ से पसंद आ गया, बहुत सारे शॉपिंग बैठे लग रहे यहाँ पर, हमें फाइनल पसंद आ चुका है। ओके बस फाइनल हमने शॉपिंग करा, उसके बाद अपनी बाइक ढूंढ रहे, बाइक नहीं मिल रही, बाद माशाल्लाह 27वां रोजा है, 27 माशाल्लाह से रात में 26वां रोजा है, तो चलिए जी रोज़ क्या पकाएं, इसके बाद सोचा कुछ अलग वक्ता नहीं बनाते, तो मैं यहाँ पर चने आलू का पुलाव बना रही हूँ, किचन वॉल करके रखती हूँ, मेरे घर में डेली चाट जो बनती है इसलिए, और बस कुछ आलू वाले पकौड़े बनाऊंगी। मोहम्मद के काम चेक करें, छुरी लेके बैठे, मोहम्मद नौ पानी है नहीं, इसमें पानी भर के रखते हैं, बस इस चीज़ में मैंने ये आलू बॉयल कर लिए हैं, और हरा धनिया पुदीना मिर्च टमाटर, और बस यहाँ पर प्याज लाल मिर्च खा के हो चुके हैं, बहुत इसलिए सोचा कुछ अलग ट्राई करते हैं साल में, तो चने आलू का पुलाव और जो चाट वगैरह होती है वो बनेगी, और ये मेरे बच्चों का चेक करना टाइम देखिए 6 बजे। ओके इस टाइम आई मम्मी के पोर्शन में रमजान मुबारक का 27 है, देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा ठंडा मीठा सा हो रहा है, और यहाँ का फ्रा तक लगी आखिर आखिर रोजे चल रहे हैं, बस अल्लाह पाक से लगा सकते हैं, वैसे कभी हम आज की बहुत बड़ी पापड़ का मुबारक रात है या मेरा छोटा बंदे। ओके बाद माशाल्लाह से 27वीं शब है और 26वां रोज़ा है, रमज़ान मुबारक के आखिरी रोज़े चल रहे हैं, हम पकौड़े समोसे खा के हो चुके हैं, बहुत इनके पापा चने बोला आज कुछ अलग होना चाहिए, हमने चने आलू का पुलाव बना लिया, और साथ में अम्मी के घर से काठियावाड़ी छोले थे मंगवाए हैं, और वह पकाएंगे बोला चलें जी आज का ये, बस अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक की बाबरकत, रात के सदके हम सबके नसीब अच्छा करें, हम सबकी मुश्किलों को आसान करें, जो बीमार अल्लाह पाक की बीमार परेशानी को दूर करें, और सबके घर की तंदरुस्ती मुश्किल परेशानी दूर करें, अल्लाहुम्मा आमीन। चलें जी, रोज़े का अफ्तार का टाइम हो चुका है, मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, रोज़े का टाइम होता है चीज़ लेके बैठ जाते हैं लोग, और ये मेरे खूबसूरत हस्बैंड यहाँ पर बैठे हुए, अल्लाह पाक ऐसे सबके घर में बरकत दे। ओके आज माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक की 27वीं शब है, बहुत बड़ी बाबरकत मुबारक भलाइयों वाली रात है, अल्लाह पाक इस रात के सदके में सबकी मुश्किलों परेशानियों को दूर कर दे, लैलतुल कदर की रात है आज माशाल्लाह 27वीं शब है, इसमें हज़ारों कुरान पाक पढ़ाए गए, बख्शाए गए होंगे आज की रात, क्योंकि मैंने भी कुरान शरीफ पढ़ के बख्श दिया, तो चलेंगे चलते हैं रूम में और सहर करते हैं, मेरे दोनों शहजादे भी सोए हुए, और यहाँ पर मस्जिद में भी पढ़ाया जा रहा है। ओके वैसे भी यहाँ पर हमारे गेट फिक्स है, चलिए रमजान मुबारक के आखिर की रोज़ यहाँ आखिर की सीढ़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पर मेरे दोनों शहजादे सो रहे हैं माशाल्लाह से, अल्लाह पाक दोनों के लिए मिलेंगे, दोनों के नसीब अच्छे करें, हम इन टाइम देख सकते हैं 40 से 25 का, चलिए माशाल्लाह से 27वां रोज़ा है, देवड़ी मैंने यहाँ पर रेडी करके रख लिया, चटनी पीसने में जा रही हूँ, और यहाँ देख सकते हैं मैंने दस्तरखान लगा दिया इनकम्प्लीट, अभी दस्तरखान पर से शरबत वगैरह लाऊंगी, टाइम देख सकते हैं 6 में से और सॉरी 7 में से 25 का अजान के लिए।
ओके वैसे मैं आज चूँकि मम्मी के पोर्शन एग्जाम जाना उठे हैं, यहाँ देख सकते हैं मम्मी का दस्तर खान लग रहा है अभी, और मम्मी यहाँ पर बैठे हैं मेरे पीस लिए। सिस्टर ने यहाँ पर तरी बनाने की तैयारी कर रही है, समोसे फ्राई कर रही है, ये फ्रेंच फ्राइज चिप्स ये बना रही हैं, और सब के समोसे पकौड़े बन रहे। चलिए टाइम कम है, चलो काम से करें। रानी घर में होते हैं यही आफत में, मतलब तलाई बचाई गई थी रानी घर में, तो वैसे देख सकते हैं सताई फिश और उसमें लगे थे आखिर आखिर रमजान आखिर आखिर पड़ी है, लसी की कबली थी दो की कबली थी भरी है, बस जैसे इतना हो सकता है दुआ करनी चाहिए। देख सकते हैं आप अपने तब से बनक ले लिए बाहर, और आखिर आखिर सूर्य लेकर उसको बना लो थोड़ी देर चार महीने से अपने पोर्शन में, और मोहम्मद अजान ओके बस आज 27 माशाल्लाह से रोज़ा है, 27 रोज़े हम लोग इफ्तार करेंगे। चलिए 27 रोज़े का दस्तरखान लग चुका है, मेरे बच्चे भी यहाँ पर माशाल्लाह आ चुके हैं, मैं अपना नाश्ता वगैरह लेके अजान चा नोट किया, अभी भी आएंगे पापा चने भी आ चुके हैं। चलिए जी ओके गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक हम सबकी हर नेक जज़्बात तमन्ना पूरी कर दे, हम सबकी मुश्किलों का आसान कर दे, आमीन।